लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मैं तो नाम लेता हूँ एक घुसपैठिया का, बिप्लव देव तो घुसपैठिया है, हटा उनको त्रिपुरा से। उनका जन्म हुआ था 1971 नवंबर में बांग्लादेश की चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। दिखाइए दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बता रहा हूँ, तो आप क्या हटा सकते हो उनको? राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी सर्वे में ये बात साफ हो चुकी है कि इस बार राजस्थान में भारतीय झंडू पार्टी की नैया डूबने वाली है। 4.5 साल तक गाय गोबर बांटने और खिलाने वाली भारतीय झंडू पार्टी भी समझ चुकी है कि राजस्थान की जनता इस बार वसुंधरा को लात मार कर भगाने वाली है, और इसीलिए साफ साफ दिख रही हार को जीत में बदलने के लिए झंडू पार्टी के तड़ीपार अध्यक्ष ने फिर वही पैंतरा अपनाया है जो तड़ीपार की पार्टी सालों से करती चली आ रही है। अपना काम बनता भांड में जाए जनता वाले फॉर्मूले पर चलने वाली भारत जलाओ पार्टी यानी बीजेपी के पास एक ही फॉर्मूला है, हिंदू मुस्लिम को बांट दो और फिर दोनों के बीच नफरत की आग को इतना भड़का दो कि सालों तक उस आग पर सत्ता की रोटी चावल दाल और सब्जी पकाते रहो, भले उस नफरत में हिंदू मुस्लिम लड़ कट कर मर जाएं। राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। गाय के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे लेकिन गाय काटने पर ना तो पूरे भारत में एक कानून बनाएंगे ना ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। धारा 370 पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे लेकिन उसी धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की कसम खाकर कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे लेकिन बांग्लादेश की सरकार को भरोसा देंगे कि एक भी बांग्लादेशी को वो बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। जी हाँ, भारतीय झंडू पार्टी का यही असली चेहरा है, किसी तरह हिंदू और मुस्लिम को बांट कर दोनों के बीच नफरत की खाई चौड़ी करते रहो। हिंदुओं को सबसे ज्यादा धोखा और हिंदुओं के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा छल किया है तो वो भारतीय झंडू पार्टी यानी बीजेपी ही है। और अब एक बार फिर झंडू पार्टी का तड़ीपार अध्यक्ष राजस्थान में बांग्लादेशी का मुद्दा उठाकर उन्हें चुन चुन कर बांग्लादेश भेजने की बात कर राजस्थान में हिंदुओं को खुश करने का काम कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर निकाल। तो ये कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा सरहद पार से, परिंदा तो छोड़ो, यहाँ पे चीनी घुसे ही आ रहे हैं, घुसे ही आ रहे हैं, घुसे ही आ रहे हैं, और सरकार उनको रोक पाने में बिल्कुल ही असफल रही है, विफल रही है। जो बाहर से आ रहे हैं पहले उनको तो रोक लीजिए, फिर जो यहाँ पे है उनको जरूर आप बाहर निकाल पाइए। लेकिन भारतीय झंडू पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। आज तक चैनल के डिबेट शो हल्ला बोल में आप खुद देखिए और समझिए इस देश के हिंदुओं को भारतीय झंडू पार्टी कैसे मूर्ख बना रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से उबल रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान में ऐलान किया, चुन चुन कर बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। बीजेपी ने इस काम को अंजाम देने का एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी वाकई बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर करेगी या फिर बस चुनावी हथियार है। अब मेरा सवाल आपसे शाहनवाज हुसैन जी, क्योंकि मेरे हाथ में जो आंकड़े हैं 2004 में सत्ता में आने के बाद 2005 से 2013 तक 82,728 अवैध जो बांग्लादेशी नेशनल्स थे उनको यूपीए की सरकार ने वापस भेजा था। अब आपका 4 साल लेते हैं सर, 1,822, चलिए 10 साल नहीं है आपके, 4 साल एवरेज निकाल लीजिए, इसको डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, जितनी बार गुना करना है कर लीजिए, फिर भी बहुत दूर है आप यूपीए सरकार से। क्या आपके लिए ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, शोर शराबा करना है, वोट बटोरना है, या फिर नीयत भी है कुछ ऐसी? देखिए, हमारी नीयत भी है और हमारी नीति भी है। एनआरसी के ड्राफ्ट पर भले कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट में ये आंकड़े उन्होंने दिए, और आपके पास तो पहले से आंकड़े, ये 14 अगस्त 1985 को जो असम एकॉर्ड हुआ था उसके एकॉर्ड की जान है एनआरसी, और बहुत दिन तक कांग्रेस ने उसको दबा के रखा। हम लोगों ने कहा कि जिस देश में बहुत से लोग गरीब रहते हैं इसको हम धर्म और भाषा से नहीं जोड़ रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको अपने मुल्क में वापस जाना होगा। बड़ी तादाद में लोग बंगाल में और देश में यकीन कर लिया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको जाना होगा। 8 अगस्त सुनाते हैं जरा,
सांसद सैयद नजीबुल बशर मेंजवंदारी ने जब अपने समकक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से दिल्ली में मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है पहले सुन लीजिए सर, फिर आपकी बात पर भी यकीन कर लेंगे। From government of India, they confirm me, they will not send to the Bangladesh back. They are trying how they manage because of they are part of India now and they are part of economy of India now. That is why they are trying to do their best and including the recommendation of the given by the court as well. So, but they confirm they are not going back to Bangladesh. अब बताइए सर किस पर यकीन करें, क्योंकि ये सांसद कह रहे हैं कि किरण रिजिजू जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बांग्लादेश वापस नहीं भेजे जाएंगे। तो मैं तो नाम लेता हूँ एक घुसपैठिया का, बिप्लब देव तो घुसपैठिया है, हटाओ उनको त्रिपुरा से। उनका जन्म हुआ था 1971 नवंबर में बांग्लादेश की चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। दिखाइए दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बता रहा हूँ, तो आप क्या हटा सकते हो उनको? नहीं नहीं नहीं, बताइए ना। एक तो एक अच्छा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया उनको, हटाइए जो देखिए। अरे आइडेंटिफाई कर दिया, हमने बनाया ना, चैलेंज कीजिए मेरे को। बांग्लादेश से तो कैमरे में जो लोग जिनका धर्म खतरे में था, जिनकी पूजा पद्धति खतरे में थी, जिनकी जान माल खतरे में था, वो अगर हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित होंगे, जो प्रताड़ित होंगे बांग्लादेश में, अगर वो यहाँ आए हैं, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बिप्लब देव आप ना आपको बोल रहे हैं जवाब देना हमारा हक है। के बाहर में भी करेंगे, त्रिपुरा में कीजिए, और मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बिप्लब देव आपका जो चीफ मिनिस्टर है घुसपैठिया है। उनको क्यों निकालेंगे? जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनके घर तोड़ा गया, जिनको वहाँ बर्बाद किया गया, क्यों निकालेंगे? अच्छा आपको कैसे पता चला? आप इन्वेस्टिगेशन किए हो? आप इन्वेस्टिगेशन किए हो कि उनका जो माता पिता इंडिया में जब घुसे थे, घुसे थे एक भी जो यही है मामला। आप लोगों आपसे आया हो, बीजेपी का जो बाहर निकालने का सवाल ही नहीं है। लोगों को आप चुन के अफगानिस्तान से आया हो या पाकिस्तान से कोई प्रताड़ित होकर, अभी आप उसको भी निकालने का सवाल नहीं है। अब सोचिए, असम में भारतीय झंडू पार्टी का मुख्यमंत्री बिप्लब देव खुद एक बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, और असम एकॉर्ड होने के बाद 1971 में बांग्लादेश से भागकर हिंदुस्तान आया था। लिव डिबेट में टीएमसी प्रवक्ता ने भारतीय झंडू पार्टी की पोल खोल दी, लेकिन बीजेपी के झंडू प्रवक्ता ने साफ कहा कि बिप्लब देव को भारतीय झंडू पार्टी बांग्लादेश नहीं भेजने वाली, क्योंकि वो हिंदू है और वो किसी भी हिंदू घुसपैठिए को भारत से वापस नहीं भेजेगी। यानी साफ है, भारतीय झंडू पार्टी और उसके बगलगचे प्रवक्ता जो घूम घूम कर ये कह रहे थे कि एनआरसी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बल्कि घुसपैठियों का मुद्दा है, लेकिन आज ये साफ हो गया है कि भारत जलाओं के लिए ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए है। सच सबसे आगे।